वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज क्लास 4 है और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ जेल एक्सटेंशंस। तो जेल एक्सटेंशन करने से पहले मैंने आपको उस दिन टिप्स के बारे में बताया था, टिप्स कैसे पेस्ट करते हैं ये बताया था। शेप आज मैं उस नेल्स को दूंगी अपने अकॉर्डिंग शेप। शेप देने से पहले मैं बात कर लेती हूँ थ्योरी की। स्टेप नंबर 1, पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने नेल को फाइल करना है। सेकेंड है अप्लाई फर्स्ट कोटिंग विद द जेल। जो हमारा जेल होएगा बिल्डर जेल, उसको हमारी उसकी क्या होगी, फर्स्ट कोटिंग होगी, जिसे हम कितने सेकेंड क्योर करेंगे, 120 सेकेंड क्योर करेंगे। थर्ड होगा स्टेप, इसमें हमारा सेकेंड कोटिंग हम उसी बिल्डर जेल की करेंगे और उसको क्या कहते हैं, सेकेंड कोटिंग को हम कहते हैं बिल्डर। ठीक है, बात करते हैं उसकी मूवमेंट की। क्लॉकवाइज पहले हम अपने ब्रश को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर हम अपने ब्रश को ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और घुमाने के बाद उसको हम कर लेंगे क्योर। क्योर करेंगे हम 120 सेकेंड। क्योर करने के बाद फोर्थ स्टेप जो होगा हमारा, वो होगा अपने नेल को क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइप्स, यानी वाइप्स को डिप करेंगे एसीटोन के अंदर और क्लीन कर लेंगे। अब मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ आपको। करती हूँ आमंड शेप बना रही हूँ मैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस ये देखो, मैंने अपनी नेल को शेप्स दे दी है। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ जेल एक्सटेंशंस क्या होते हैं। तो लेट्स बिगिन। ये हमने निकाला जेल ब्रश टूल और ये है हमारा IBD का बिल्डर जेल। क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट लेयर कैसे लेंगे इसकी, ये हमने इसको ऐसे करके लिया और अपने क्यूटिकल एरिया से पहले हम इसको स्ट्रेट लगाएंगे। और फर्स्ट लेयर एकदम स्ट्रेट और थिन लगाएंगे, यानी कि पतली लेयर लगाएंगे। पहली हम जो लगाएंगे हमारी पतली लेयर होगी और ऐसे क्लीन करते जाएंगे। ऐसे ही हम सारी फिंगर्स पे लगा लेंगे। ओके, ऐसे करके थिन लेयर, थिन नहीं थिक, ये हम लेयर ऐसे इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ओवर ऐसे ब्रश से लगा देंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर लग रही है, तो मैं ये सारी फिंगर्स पे लगा के आपको दिखा देती हूँ। क्यूटिकल को बचा बचा के हम लोग पूरा ऐसे ब्रश को ऐसे लगा लेंगे। सो गाइस अब इसको हम करेंगे क्योर 120 सेकेंड हम इसे क्योर करेंगे। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 120 हो जाएगा हम अपना हाथ बाहर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से बिल्डर जेल लेंगे और इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाएंगे और सेकेंड लेयर को बोलते हैं बिल्डर जेल। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बिल्डर देखो। और बिल्डर जेल कैसे लगाना है आपको, इसको ऐसे रखना है और ऐसे ऐसे करके क्यूटिकल तक लेके जाना है और ऐसे ऐसे करते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पूरी टिप पे लगा देना है।
अब इसको क्या करना है, अब क्या करेंगे कि बाई चांस अगर हमारा जेल एक्स्ट्रा हो तो हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर को उल्टी और ऐसे करके टैप करेंगे। टैप करने से क्या होगा, जितना हमारा एक्स्ट्रा होगा ना वो, ये देखो वो ऊपर आ जाएगा, बट देखो मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया था तो वो नहीं, ना तो वो नीचे गिरा, जो मैंने एक्स्ट्रा लिया ना तो वो नीचे गिरा जो एक्स्ट्रा लिया था, और ना ही ये बाहर आया। तो अब इसको भी कर लेंगे 120 सेकेंड क्योर, ठीक है। और इसके बाद सारी फिंगर्स पे हम ऐसे कर लेंगे, तो वो हमारे होते हैं जेल एक्सटेंशन। जब भी आप बिल्डर का यूज़ करेंगे तो वन वन फिंगर को ऐसे टैप करके वन बाय वन क्योर करेंगे, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते, जब तक। और मेरे को डेमो देना था इसलिए मैंने एक ही फिंगर पे करके दिखाया भी आपको। ये क्योर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये देखो आप इसको टच करोगे ना तो ये देखो ऐसे चिपचिपापन लग रहा होगा, तो क्या लेना है, एसीटोन, और वाइप को एसीटोन में डिप करके आपको अपने बिल्डर के ऊपर ऐसे इसको करना है। ये देखो देखो अब लग रहा है, नहीं है ना, अब नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे जेल एक्सटेंशन, ऐसे करते हैं हम लोग जेल एक्सटेंशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।